हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक बी हाइव का चैप्टर 3rd, द लिटिल गर्ल। तो इस चैप्टर में एक लिटिल गर्ल के फियर के बारे में बताया गया है। एक छोटी सी बच्ची है जो अपने फादर से काफ़ी डरती है। उसको लगता है कि उसके फादर जो हैं वो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। एक बच्ची की फीलिंग के बारे में बताया गया है और किस तरीके से, जैसे कि नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं फादर से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं उनका ये फियर भी जो है वो जाने लगता है। तो इसी बारे में ये पूरी जो है वो स्टोरी है। तो एक छोटी बच्ची के लिए, टू अ लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी बच्ची के लिए जो फादर की फिगर होती है, मतलब एक फादर होते हैं, एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे डरना चाहिए, फियर्ड मतलब डरना चाहिए, अवॉइड मतलब जब वो आए तो वहाँ से मतलब हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। ऐसी उस बच्चे के माइंड में जो है वो इमेज बनी थी। हर सुबह क्या होता था, जब वो काम पर जाते थे, वो उनके उस बच्ची के फादर जो हैं वो उसके रूम में आते थे, उसको एक किस करते थे और फिर बस वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी। और उसको लगता था, ओ फाइनली मतलब एक रिलीफ मिल गया, अब फादर जो हैं वो चले गए हैं। जब उनके जो कैरेज की नॉइज़ है, मतलब जो जिस चीज़ में वो जाते थे, वो कैरेज होता था जो फेंटर फेंटर फेंट मतलब जब हल्की और हल्की होती जाती थी रोड पर जाते हुए, तब वो बच्ची जो है साई ऑफ रिलीफ मतलब शांति की सांस होती है ना, मतलब कि अब चलो ठीक है, चले गए, अब कोई डर वाली बात नहीं है, तो वो उसको साई ऑफ रिलीफ तब मिलती थी। इवनिंग में जब उसके फादर आने वाले होते थे, वो स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों के पास बिना किसी आवाज़ के जो है वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो जाती थी। फिर स्टेयर केस के पास से आवाज़ आती थी कि अच्छा, मतलब इसमें ये है कि जो उसके फादर जब आते थे शाम को, तो सीढ़ियों के पास से आवाज़ आती थी कि जो चाय है वो ड्राइंग रूम में रख दो, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर जो है वो पेपर देखने लगती थी इधर उधर, और फिर वो कहते थे फादर कि मेरे जो स्लीपर्स हैं वो लेकर के आओ, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो यही सारी जो है शाम के टाइम का सीन होता था घर का। बच्ची का नाम था कैजिया। तो कैजिया को बुलाती है मदर, वो कहती हैं कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जो अपने पापा के हैं बूट्स वो निकाल दो, मतलब जो जूते हैं वो निकाल दो। स्लोली धीरे धीरे जो बच्ची होती है वो उससे स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के पास से आती है, धीरे धीरे बिल्कुल हॉल को क्रॉस करती है और ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती है। और इस टाइम तक उनके बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो इस टाइम तक जो है फादर ने अपने जो चश्मा वगैरह लगा रखा होता है और वो इस तरीके से बच्चे की तरफ देखते हैं कि बच्ची जो है वो देख करके काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर मम्मी बोलती है जैसे, वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड। क्या तुम आज अच्छी गर्ल रही? तो मतलब उसके ये मम्मी नहीं, सॉरी, ये फादर बोलते हैं कैजिया से कि आज जो है जल्दी से मेरे जो बूट्स हैं उनको निकाल दो और इस रूम से बाहर ले जाओ। और ये भी पूछते हैं कि आज तुम एक गुड गर्ल रही, तुमने अच्छे से मतलब बिहेव किया? तो बच्ची जो है वो काफ़ी डर डर के बोलती है, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। फिर फादर बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। तो वो स्टटर मतलब थोड़ा सा ना रुक रुक के बोलना जो होता है उसको स्टटर करते हैं, स्टटर बोलते हैं। तो वो उसके फादर बोलते हैं, अगर तुम ऐसे ही स्टटर करती रहोगी तो तुम्हारी मम्मी को जो है तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। तो वो जो बच्ची थी वो हमें मतलब किसी के भी सामने स्टटर नहीं करती थी, मतलब वो रुक रुक के नहीं बोलती थी किसी के भी सामने, वो सिर्फ अपने फादर के सामने ही जो है इस तरीके से बात करती थी। क्योंकि जब उसके फादर के सामने वो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी और उसके मुंह से वर्ड्स जो हैं वो बाहर निकलना उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता था। फिर वो बच्ची जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेज्ड आउट मतलब काफ़ी अनहैप्पी सी, दुखी सी लगती है। तो उससे पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर, मतलब क्या हुआ है, ये उससे पूछते हैं। फिर वो जो बच्ची ऐसी मतलब काफ़ी डरी डरी सी लग रही होती है, तो उसके फादर उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि इतनी ज़्यादा उसके फेस पे टेंशन है, जैसे कि ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड वो हो, मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, ब्रिंक मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे कि सुसाइड कमिट करने वाली हो, इतनी ज़्यादा जो बच्ची है वो दुखी लग रही होती है उस टाइम पर जब वो अपने फादर के आसपास होती है। फिर आके, हेयर कैजिया कैरी माई टी अप टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर उसके फादर कहते हैं कि मतलब जो
चाय का कप है वो टेबल के पास ध्यान से रख दो। बच्ची का क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है जब अपने फादर के आसपास होती है। उसे लगता है उसके फादर हमेशा उसे डांटेंगे या उसे डांट दिया तो क्या होगा, उसको ऐसा डर लगता रहता है। उसको अपने फादर को देख के लगता है कि वो कितने बड़े हैं, उनके हैंड्स कितने ज़्यादा बड़े से हैं, उनके हैंड्स, उनकी नेक और उनका जो माउथ है, जब वो यॉन करते हैं मतलब जब फाइल लेते हैं तब वो कितना ज़्यादा बड़ा सा हो जाता है, उनके बारे में सोच के कि वो कितने ज़्यादा जाइंट हैं, कितने ज़्यादा बड़े हैं, वो बच्ची जो है वो डर जाती है। संडे की जो आफ्टरनून होती है दोपहर के टाइम, ग्रैंड मदर उसको बच्ची को ड्राइंग रूम में भेजती हैं ताकि वो अपनी मदर से मतलब मदर और फादर से मतलब दोपहर के टाइम बात कर ले। मगर लिटिल गर्ल हमेशा मतलब अपनी माँ को क्या है रीडिंग करते हुए पाती है और फादर को स्ट्रेच्ड आउट लेटे हुए पाती है सोफा पे। उनका जो हैंडकरचीफ जो है, उनका रुमाल जो है वो उनके फेस पे होता है और उनके जो पैर होते हैं वो दूसरे कुशन पे होते हैं। इस तरीके का जो सीन होता है हमेशा उस बच्ची को दिखता है कि मदर जो है वो पढ़ रही है कुछ और फादर लेटे हुए हैं, मुंह पे रुमाल है और पैरों के पास उनके क्या है कुशन है और वो स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग मतलब बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। स्नोर करना मतलब होता है खर्राटे लेना और वो खर्राटे ले रहे होते हैं। फिर वो बच्ची जो होती है वो स्टूल पे जाकर के बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। फिर जो है वो उसके फादर जो है वो सोफे पे सो रहे होते हैं। फिर बच्ची चुपचाप जाके स्टूल पे बैठ जाती है, ग्रेवली ध्यान से देख रही होती है फादर को अपने, जब तक जैसे वो उठ नहीं जाते। फिर उठने के बाद खुद को स्ट्रेच करते हैं ना हम लोग हाथ पैर, फिर उससे पूछते हैं कि टाइम क्या हो गया है। फिर ऐसे बोलते हैं डोंट स्टेयर सो कैजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन होल। फिर उससे बच्ची को ऐसे बोलते हैं वो कि मतलब ऐसे तुम घूर घूर के क्यों देख रही हो, तुम ऐसे देखती हो तो ऐसा लगता है कि तुम एक छोटे आउल होते हैं ना उल्लू, उसके जैसी लगती है, जैसे उल्लू बड़ी बड़ी आँख करके देखता रहता है ऐसी लगती हो। फिर एक दिन क्या होता है उसकी जो वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो एक दिन बच्ची जो होती है उसको कोल्ड हो गया होता है, कोल्ड हो रहा होता है, इसलिए वो क्या है अंदर ही रहती है, घर के अंदर होती है। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है बच्ची की दादी, वो कहती है कि फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसको सजेस्ट करती है गिफ्ट के तौर पर आप पिन कुशन आप एक बनाइए अपने फादर के लिए, एक ब्यूटीफुल जो सुंदर से सिल्क के येलो कलर के सिल्क के कपड़े पे आप वो बनाओ अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाओ उससे। तो बहुत ही मेहनत से जो है वो बच्ची छोटी सी तीन साइड्स को स्टिच कर देती है और अच्छे से पूरा तो बना लेती है, मगर उसको ये समझ नहीं आता उस कुशन के अंदर वो फिल क्या करे, ये क्वेश्चन होता है। तो ग्रैंड मदर जो है वो बाहर होती है गार्डन में, वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है कुछ स्क्रैप्स कोई फालतू सी चीज़ ढूंढने के लिए कि जो उस कुशन के अंदर भरी जा सके। फिर क्या होता है बेड टेबल पे वो उसको दिखती है काफ़ी सारी शीट्स ऑफ पेपर, वो उनको उठाती है, उनको फाड़ती है छोटे छोटे पीसेस में और जो है जो उसका कुशन होता है उसमें फिल कर देती है और जो चौथी साइड होती है उसको भी बंद कर देती है। अब उस रात क्या होता है ह्यू एंड क्राई, बहुत ही हल्ला सा मचा हुआ होता है पूरे घर में कि मतलब गुस्से में बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही होती हैं। फादर की जो स्पीच होती है जो पोर्ट अथॉरिटी की होती है, पोर्ट अथॉरिटी के लिए उनकी कोई स्पीच होती है, वो खो गई होती है। रूम को सर्च किया जाता है, सर्वेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मदर जो है फाइनली कैजिया के रूम में जाती हैं, फिर कैजिया से वो पूछती हैं कि मतलब मैं सपोज कर रही हूँ कि तुमने कोई जो पेपर है टेबल पे जो रखे थे वो तुमने नहीं देखे होंगे। तो बच्ची बोलती है हाँ मैंने देखे थे और मैंने आई टोर देम अप फॉर माई पर्पस, और मैंने उनको फाड़ भी दिया अपने काम के लिए। टोर का मतलब होता है फाड़ देना, और मैंने उन पेपर्स को जो है फाड़ दिया क्योंकि मेरे को उनकी ज़रूरत थी। फिर मदर स्क्रीम करती हैं, बहुत तेज़ चिल्लाती हैं, फिर उनको गुस्सा आता है, फिर वो कहती हैं कि सीधे जो है तुम डाइनिंग रूम में आ जाओ तुरंत नीचे उतर करके। फिर उसको ड्रैग डाउन मतलब खींच करके लेके आया जाता है जहाँ पर उसके फादर होते हैं, और बच्ची जो है काफ़ी ज़्यादा इस बात से डरी हुई होती है। फिर फादर जो है वो शार्पली बहुत ही मतलब तेज़ी से बोलते हैं, मदर जो है एक्सप्लेन करती हैं कि क्या हुई, और बच्ची जो है वो बेचारी चुपचाप स्टेयर करती हुई इधर उधर घूर रही होती है सब पर, चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है। फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुमने ये किया, वो नो नो करती है, मना करती है, धीरे धीरे बड़बड़ाती है। फिर मदर जो है उसके रूम में जाती हैं और जो उसने किया होता है टुकड़े वगैरह बनाए होते हैं और
मतलब पूरा पता लग जाता है। फिर बच्ची को जो है रूम में भेज देते हैं। फिर वो कहती है कि आगे क्या होता है, मतलब वो बच्ची ने गलती से वही इंपॉर्टेंट पेपर्स जो है ना वो फाड़ दिए होते हैं, और उनको फाड़ करके कुशन में भर दिया होता है। फिर जब मम्मी पूछती है उससे तो कह देती है हाँ मैंने किया, पर जब पता लगता है कि पापा के पास जाना है तो बहुत ज़्यादा वो डर जाती है, और फिर जब उससे पूछते तो कहती है नहीं, फिर काफ़ी ज़्यादा रोने वोने वो लगती है। फिर क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। फिर वो काफ़ी दुखी सी होती है, अपने रूम में होती है। फिर इसमें है कि इवनिंग की शाम की जो रोशनी होती है वो उसके फ्लोर पर एक पैटर्न सा बना रही होती है, जो काफ़ी दुखी लग रहा होता है। फिर उसके जो फादर होते हैं वो उसके रूम में आते हैं एक रूलर के साथ, डंडे के साथ आते हैं अपने हाथ में लेकर के। फिर उस फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इंपॉर्टेंट पेपर फाड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। मतलब तुमने जो हरकत करी है, पन्ने फाड़े इंपॉर्टेंट, इसके लिए तुम्हारी पिटाई लगेगी। बच्चे चिल्ला रही होती है नहीं, और अपने जो बेड क्लॉथ हैं, जो होते हैं ना चादर होती है बेड क्लॉथ बोलते हैं, उसमें वो छुप जाती है। और फिर फादर निकालते हैं, वो कहते हैं सिट अप, यहाँ पे बैठो, ऑर्डर करते हैं अपने हाथ फोल्ड करो, यू मस्ट बी टॉट, कि मतलब तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें लेसन सिखाया जाना चाहिए कि दूसरों की चीज़ों को नहीं छूते हैं, मतलब डू नॉट टच दोज थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। जो चीज़ें तुम्हें बिलोंग नहीं करती हैं उनको तुम्हें जो है वो टच नहीं करना चाहिए। फिर बोलती है बच्ची बट इट वॉज योर बर्थडे। फिर रूलर जो है उसके लिटिल छोटे छोटे हाथों पर आ जाता है और उसकी पिटाई हो जाती है। बच्ची बोल नहीं पाती, बता नहीं पाती कि मतलब आपके बर्थडे के लिए ही जो प्रेजेंट है उसके लिए ही करना पड़ा। पिटाई हो जाती है बच्ची की। फिर कुछ घंटों बाद जो है ग्रैंड मदर अपने शॉल को रैप करते हुए वहाँ पर आती हैं उसके पास, और बच्ची के पास आकर के बैठ जाती हैं। फिर वो बच्ची जो है मदर उससे ग्रैंड मदर से पूछती है कि गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया है, स्टॉप करते हुए मतलब रोते रोते पूछती है कि फादर को क्यों बनाया है गॉड ने। फिर ग्रैंड मदर जो होती हैं वो क्लीन हैंकी देती हैं बच्ची को और कहती हैं कि अपनी नोज़ जो है इसे साफ़ कर लो, सो जाओ, और सुबह जब तुम सो करके उठोगी तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो तुम भूल जाओगी। बट वो कहती है कि मैंने फादर को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया मगर उन्होंने मतलब बिल्कुल भी मुझे नहीं सुना। फिर बच्ची ये भी बोलती है कि मैंने फादर ने नहीं सुना। ग्रैंड मदर बोलती है कि आज जो है आज तुम्हारे फादर काफ़ी नाराज़ हैं, बाद में तुम उन्हें ये बात एक्सप्लेन कर सकती हो। मगर बच्ची जो है वो कभी भी इस बात को नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम क्या है, उसने जब अपने फादर को देखा क्विकली जो है वो उनके सामने जैसे ही आए उसने अपने हाथ जो है वो बिल्कुल अपने पीछे की साइड वो कर लिए, और उसके चीक्स जो हैं वो भी एकदम रेड कलर के हो गए। उसको डर लग गया मतलब अपने फादर को देख के। मैकडोनल्ड्स थे, मिस्टर मैकडोनल्ड वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर रहते थे, उनके 5 बच्चे थे, और उनके घर के बीच में फेंसिंग में ना गैप था, तो वो देखती थी कि जो है वो जो उसके मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, और उसके हाथ में मिस्टर मैकडोनल्ड्स के हाथ में देखिए जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है उनके कंधे पे बैठा हुआ है, बाकी बच्चे जो हैं उनके आसपास जो हैं वो खेल रहे हैं, इस तरीके की उनका जो सीन होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो हैं वो तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, मगर ये जो बच्ची थी इसके फादर तो नहीं रहते ऐसे उसके साथ, तो उसको मतलब अच्छा सा नहीं लगता। इस पूरा जो पैरा है इसमें यही बताया गया है कि फ्लावर बेड के आसपास वो लोग सब खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, फिर ऐसे होता है। फिर वो ये डिसाइड करती है कि बच्ची को समझ में आता है कि देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, मतलब फादर्स सारे फादर एक तरीके के नहीं होते हैं और अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मी जो है वो बीमार हो जाती हैं, तो उसकी मम्मी और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गए होते हैं। बच्ची जो है वो घर में अकेली होती है, एलिस द कुक मतलब कुक होती है घर में, और वो बच्ची अकेले होते हैं। और जब दिन का समय था तब तक तो ठीक था, मगर जब रात का टाइम आया तो उसको अकेले जो है बच्ची को अपने बेड पे जब जाने लगी तो उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। बट वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, फिर बच्ची सोचती है कैसा होगा अगर मेरे को रात को बुरा सपना आ गया। वो पूछती है तो वो जो मतलब बात कर रही होती है कि आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, एंड देन ग्रैनी आस्क देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट विल गेट विस्परी। वो ऐसी मतलब बच्ची परेशान हो रही होती है कि जब मेरे को डर लगता है तो ग्रैंड माँ मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं, आज क्या होगा, आज तो मम्मी भी नहीं है ग्रैंड माँ भी नहीं है घर में, ऐसे सोच रही वो होती है। फिर जो एलिस होती है जो कुक होता है उससे भी बात कर रही होती है वो, तो
वो एलिस जो है वो कहती है, फिर जो कोको होती है कि नहीं, वो बोलती है ऐसा कोई तुम्हें ड्रीम नहीं आएंगे ऐसे बुरे, तुम सो जाओ, अपने सॉक्स निकालो और चिल्लाना मत, तुम्हारे जो पापा हैं वरना वो जग जाएंगे, ऐसे बोलती है। बट फिर से वो ओल्ड नाइटमेयर, पुराना जो उसको डर था, सपना जो है वो आया कि कोई बुचर, मतलब बुचर होता है ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को काटते हैं ना, कटाई करने का काम करते हैं, उनको बुचर बोलते हैं, कि कोई बुचर आया है अपने नाइफ चाकू के साथ, रोप रस्सी के साथ उसके पास आए जा रहा है, स्माइल कर रहा है, बुरी सी स्माइल कर रहा है, वो हिल नहीं सकती है, और फिर मतलब उसको स्टैंड स्टिल रहना पड़ेगा, फिर वो चिल्लाने लगती है ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ, और कांपते हुए, शिवर करते हुए, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, कांपते हुए वो उठती है तो वो देखती है उसके फादर जो है वो उसके बेड के साइड में खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है। उसके पापा पूछते हैं उससे कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, फिर वो सोचती है कि ओ बुचर आ गया वही अपने नाइफ के साथ, वो कहती है मुझे ग्रैनी चाहिए ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा देते हैं, नीचे झुकते हैं उसके पापा और बच्ची को जो है उठा करके अपने आर्म्स में उठा लेते हैं, फिर अपने बेडरूम में ले जाते हैं और एक न्यूज़पेपर जो रखा होता है बेड पे उसको दूसरी तरफ रख देते हैं और केयरफुली बच्ची को बेड पे सुला देते हैं। फिर क्या होता है, उनकी साइड में वो लेट जाते हैं बच्ची के, फिर बच्ची जो है अभी भी आधी जगी हुई होती है, आधी सोई हुई होती है, उसको लग रहा होता है कि बुचर जो है बिल्कुल स्माइल के साथ उसे अपने पास ले आया हो, जैसे ऐसा लग रहा था। फिर और सपने में या अपने रूम में तो वो बुचर से दूर थी, अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे बुचर के बिल्कुल पास आ गई हो। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, फिर स्नगल का मतलब होता है मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन। फिर भी बिल्कुल आधी नींद में होती है तो बिल्कुल अपने पापा के पास को चली जाती है वो, फिर भी उसके माइंड में आधी नींद में डर हो रहा होता है कि मैं तो बुचर के पास आ गई, अब मेरा क्या होगा, और ऐसा ऐसा उसे डर लग रहा होता है। फिर आगे फिर जब वो बिल्कुल अपने फादर के पास को आकर के लेट जाती है तो फिर उसे जो है मतलब डार्क जो अंधेरा होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप वहाँ पे लेटी रहती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि जो अपने पैर है वो मेरे पैरों के पास रख लो और तुम्हें वार्म लगेगा, गर्म लगेगा और अच्छा लगेगा। और फिर ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, फिर उसके पापा थके हुए थे और जब तक बच्ची सोती उससे पहले ही जो है उसके फादर वो सो चुके थे। फिर एक फनी सी फीलिंग बच्ची में आती है, फिर वो सोचती है पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, सोचती है कि पापा इतने बड़े भी नहीं हैं, और उसको फनी सी फीलिंग आ रही होती है, उसे लगता था कि तो बहुत बड़े हैं पापा और इतने बड़े बड़े हैंड्स हैं, इतने बड़े बड़े लेग्स हैं, उसको डर लगता था पहले, फिर लगता है नहीं इतने बड़े भी नहीं हैं और कोई भी नहीं है जो इनका ख्याल रख सके। फिर ऐसे वो सोचती है कि ये जो मगर इनके जो हाथ पैर हैं ये ग्रैंड मदर के हाथ पैर से थोड़े हार्डर हैं, मगर नाइस है, अच्छी हार्डनेस है, बुरी वाली नहीं है, और एवरी डे ही हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है बहुत सारा, उनको थक जाते होंगे, और इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह जो है अपने बच्चों के साथ ऐसे खेल नहीं सकते, क्योंकि पापा रोज दिन बहुत सारा काम करते हैं इसलिए वो थक जाते हैं। फिर आगे शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, फिर वो सोचती है कि मैंने ही तो पापा की सारी जो राइटिंग थी उन्होंने कितना कुछ लिखा था वो फाड़ दिया था। फिर उसको एकदम से स्ट्रेट सडनली समझ में आता है कि उसकी गलती थी, फिर वो साय करती है, थोड़ी जमवाई टाइप की लेती है, फिर वो उसके जम्बाई कैसे जम्बाई तो वो होता है कि नींद में आना, फिर एक साई करना कि हाँ मेरी गलती है, वो वाला रियलाइजेशन। फिर एकदम से उसके फादर जो है वो उठ जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ, अनदर ड्रीम, कोई और ड्रीम आया है क्या तुम्हें। फिर वो कहती है ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हैट्स ऑन योर हार्ट, फिर वो कहती है कि मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के पास है, आई कैन हियर इट गोइंग, मेरे को सुनाई आ रहा है कि आपकी हार्ट बीट जो है। फिर वो बोलती है वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, फिर फादर से कहती है, फिर वो कंफर्टेबल हो जाती है अपने फादर के साथ, ऐसे उससे अपने फादर से डर नहीं लग रहा होता। फिर उस कहती है आपके जो हार्ट बीट है वो मेरे को सुनाई आ रही है, आपका हार्ट कितना ज़्यादा बड़ा है, ऐसे करके वो अपने फादर से बोलती है। तो इसमें बस यही है कि एक छोटी बच्ची जो है चाइल्ड का फियर अपने पापा से वो डरती है, उसका पूरा जो फियर है वो इस चैप्टर में बताया गया है। फिर लास्ट में आते आते उसको समझ में आने लगता है कि उसकी गलती थी अगर उसकी मार भी पड़ी अपने फादर से, तो क्योंकि उसने पेपर्स फाड़ दिए थे, इतने भी पापा जो है वो टफ नहीं है और इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं है और इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। फिर बाद में उसे अच्छा लगता है अपने फादर के साथ टाइम। तो ये चैप्टर